अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, ट्रेडिंग की दुनिया में एक टर्म हम लोग यूज़ करते हैं जिसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बोला जाता है, और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा न्यू कमर्स ऐसे होते हैं, बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या चीज़ है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि अगर आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता तो आप लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते मार्केट के अंदर, चाहे कोई भी मार्केट है। ये बेसिक चीज़ें हैं हर मार्केट के लिए, चाहे स्टॉक्स मार्केट है, चाहे फॉरेक्स मार्केट है, या चाहे क्रिप्टो मार्केट है। आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो आप लोग मार्केट में हमेशा लॉस करोगे, कभी आप लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो गाइस, जो टर्म हम बेसिकली यूज़ करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा सिंपल वर्ड्स में। रॉकेट साइंस नहीं होगी, सिंपल वर्ड्स होंगे। एंड देन मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर जाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा टूल आप लोगों ने यूज़ करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिए। तो गाइज, रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोई भी बिजनेस करते हो तो आपके पास प्रॉपर प्लान होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई स्टॉक डैमेज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आपके पास बैकअप होता है प्रॉपर बिजनेस के लिए। सेम इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के प्लान्स होते हैं, हर बंदे का अपना अपना प्लान होता है। और जब तक आप लोगों के पास रिस्क मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है रिस्क की, तब तक आप लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। अब रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसको कहते हैं ये? हम अपने कैपिटल, हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसे मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान्स हम लोगों ने बनाए होते हैं। और जब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होती है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होती है? अब रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, वो हम टॉपिक से एक साइड पे हो जाएंगे। अब ये मुझे किसी ने कमेंट्स में बताया था कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में समझाएं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के बारे में समझाऊंगा सिंपल वर्ड्स में। अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आता हूँ या उसके बारे में बात करता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को आप लोगों ने गौर से समझना है। रेशो की जो टर्म है, ये जो लोग मैथ्स पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छा बेहतर पता होगा कि रेशो किस चीज़ को कहते हैं और क्यों यूज़ करते हैं हम। अब ट्रेडिंग के अंदर हम लोग जो टर्म यूज़ करते हैं कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए या 1:4 होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 रखें, इट मीन्स के 1:1 अगर आप लोग कोई भी ट्रेड करते हो, अगर आपको लॉस भी होता है तो उतना ही लॉस होता है, और अगर आप लोग प्रॉफिट भी करते हो तो उतना ही प्रॉफिट आप लोगों को होता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों जो साइड्स हैं वो आपकी इक्वल है। अगर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है, उसके नीचे आप लोगों का अगर $1 का स्टॉप लॉस आप लोगों ने रखा है, तो इट मींस के आप लोगों का टेक प्रॉफिट भी $1 पे होगा, और इट मींस के आप लोग 0-0 खेल रहे हो, 0-0 ट्रेड कर रहे हो। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 1:1 अगर आप लोगों ने लगाई है तो इट मींस के 50-50 है, या तो आप जीत जाओगे या हार जाओगे, और अगर जीतोगे तो भी आप लोगों ने $1 गेन करना है, और अगर हारोगे तो भी $1 लूज करोगे। अब अगर मैं कहता हूं कि 1:2 आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, इट मींस कि आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है या लॉस वाला हिस्सा है वो 1 रहेगा, और आप लोगों का जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो डबल होगा। अगर आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है तो आपको $1 देना पड़ेगा, और अगर आप लोगों का टेक प्रॉफिट वाली साइड हिट हो जाती है तो आपके पास $2 आएंगे। फाइन, आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल वर्डिंग में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 रहेगा, इट मीन्स के आप लोग अगर ट्रेड में लूज कर जाते हो तो आपको $1 देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग जीत जाते हो तो आप लोगों के पास $3 आएंगे प्रॉफिट में। और सेम इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप लोग $1 दोगे
और अगर आपका टेक प्रॉफिट हिट होता है तो आप लोगों के पास $4 आएंगे। अब आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कौन सी है, तो मोस्टली यूज़ यही होती है 1:3 और 1:4। ये दो रेशोज़ हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। और क्यों यूज़ होती हैं इसकी मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। अब अगर कोई बंदा है वो ट्रेड कर रहा है 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ जा रहा है वो, और 1:3 उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, तो वो क्या करेगा, अगर वो एक ट्रेड लगाता है और उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उसके अंदर 1:3 रहती है, अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर वो $1 हार जाता है, उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो वो नेक्स्ट ट्रेड करेगा, दूसरी भी हार जाता है, $2 हार गया, तीसरी ट्रेड में अगर वो उसका टेक प्रॉफिट हिट कर जाता है तो उसके $2 भी रिकवर हो जाएंगे और उसका जो $1 का प्रॉफिट है वो भी उसे आ जाएगा। अब इसी तरह 1:4 की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के अंदर, मैं एग्जांपल दे जी 1:4 के अंदर अगर आप लोगों ने कोई स्टॉप लॉस हिट कर लिया है, एक स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, इट मींस कि आपको $1 देना पड़ा। नेक्स्ट ट्रेड की तरफ आते हैं, अगर आप लोगों का अगेन हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, तो इट मींस कि आप $2 के लॉस में हो। अब तीसरी ट्रेड अगर आप लोग करते हो, उसमें आप लोग जीत जाते हो, 1:4 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, तो इट मींस कि आपके $2 जो लॉस के थे वो भी रिकवर हो गए और $2 का आप लोगों को प्रॉफिट भी हो गया, चार हिस्से आपको आ गए। अब नेक्स्ट ट्रेड करते हो, उसके अंदर क्या होता है, अगर आप वो भी जीत जाते हो तो ऐसे होगा कि आप लोगों को चार हिस्से अगेन $4 आएंगे। अब हारे कितनी, आप लोग दो ट्रेड्स हारे, आप लोगों को $2 देना पड़े। और नेक्स्ट जो आप लोग जीते हो दो, उसके अंदर आपने पिछले दो भी रिकवर किए और $6 आप लोगों को एक्स्ट्रा मिले। इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो किसे कहते हैं। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 होना चाहिए। इट मीन्स कि एक हिस्सा लॉस का, आपके स्टॉप लॉस हिट होने पे आपका $1 जाना चाहिए और जो टेक प्रॉफिट है वो 2:1 मतलब एक हिस्सा लॉस का और टेक प्रॉफिट पे आपको $2 आने चाहिए। लॉस में $1 जाएगा और प्रॉफिट में $2 आएंगे। तो सिंपली आप लोग अगर हार भी जाते हो तो नेक्स्ट कोई भी ट्रेड आप लोग जीतते हो तो आपका लॉस भी रिकवर होगा और जो नेक्स्ट आप लोग ट्रेड जो आप लोगों ने लगाई है, लॉस रिकवर करने के साथ साथ आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा टूल आप लोगों ने यूज़ करना है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करने के लिए। चलते हैं गाइस अभी स्क्रीन के ऊपर, और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। और मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो अभी मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। तो अभी गाइस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर जब अपना चार्ट ओपन करोगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो ये पेंसिल का ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएगा। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे कुछ काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आप लोगों को नज़र आएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा लॉन्ग पोजिशन या शॉर्ट पोजिशन। तो अभी मैं आप लोगों को ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, लॉन्ग पोजिशन का ऑप्शन है हमारे पास और शॉर्ट पोजिशन का। अब अगर आप लोगों ने बाय की ट्रेड करनी है तो उसके लिए आप लोग लॉन्ग पोजीशन वाला टूल यूज़ करोगे, और अगर आप लोगों ने सेल की ट्रेड करनी है, सेलिंग करनी है मार्केट के अंदर, तो आप लोग शॉर्ट पोजीशन वाला टूल यूज़ करोगे। मैं दोनों टूल्स आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग लॉन्ग पोजीशन वाला टूल उठाएंगे और इसको मैं आप लोगों को प्लेस करके दिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने इसे यूज़ करना है। सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एंट्री पॉइंट इस रेड कैंडल पे है, ये वाली जो रेड कैंडल है, यहाँ से आप लोग बाय करते हो या इसे थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस लेवल पे आप लोगों का, या फिर यहाँ पर जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल के ऊपर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है, आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है।
अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास नीचे रेड एरिया शो हो रहा है और ऊपर ग्रीन एरिया शो हो रहा है, और दोनों बॉक्स अगर आप लोग देखो यहाँ पर सेंटर लाइन जो आपको शो हो रही है ये हमारा एंट्री पॉइंट है, और नीचे हमारा जो स्टॉप लॉस का एरिया है वो सारा एरिया है, और ऊपर हमारा प्रॉफिट का एरिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि इस कैंडल के लो पर आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो प्लेस करना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना स्टॉप लॉस उठाकर इसके करीब ले आना है। तो यहाँ पर गाइज आप लोगों ने इस तरह से इसको ड्रैग करके उठाकर ले आना है। अब अगर मैंने ये बात कही है कि आप लोगों ने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 या 1:3 या 1:2 रखना है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। अब ये तो हमारा स्टॉप लॉस प्लेस हो गया, हमारा एंट्री पॉइंट ये था इस जगह पे, और हमारा स्टॉप लॉस मैंने फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने अपना जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल के लो के नीचे रखना है, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पर लो पे इस कैंडल के लो के साथ अपना स्टॉप लॉस रखा, ये आपका स्टॉप लॉस का एरिया हो गया, यहाँ पे आप लोगों का एंट्री पॉइंट है। अब मैंने आप लोगों को ये बात कही कि 1:2 या 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आप लोगों ने रखना है, तो यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख सकता हूँ। मेरा रिस्क नीचे 1 है और जो और ये जो आप लोगों का रिस्क वाला एरिया जो रेड जोन है ये आप लोगों की 1 ही रहती है हमेशा। आप लोग अपने स्टॉप लॉस कहीं भी आप लोग प्लेस कर लो, ये ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, 1 पे एक हिस्सा ये हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो पार्टीशंस उसकी बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 रखना है तो आप लोग इसको इंक्रीज़ कर सकते हो। अब वन जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:1.24 है, यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के सामने हमें 1.24 देखने को मिल रहा है। अब मैं कहता हूँ कि जी आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 होना चाहिए, तो वो कैसे आप लोग प्लेस करोगे अपना टारगेट। आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करके इसको ड्रैग करके यहाँ पर ऐसे लाकर छोड़ देना है, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग चेक करें कि हमारे पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है यहाँ पर वो 1:2 हो चुका है। नीचे हमारा एक हिस्सा जो है वो लॉस का है और ऊपर जो हमारा दो हिस्से हमारे प्रॉफिट के हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो इसको क्लिक करके देख भी सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के सामने 1.98 लिखा आ रहा है, लेकिन आप लोग इसको मज़ीद खुद से ड्रैग करके इसको 2 पे कर सकते हैं या 3 पे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3 होना चाहिए, या इस स्ट्रेटजी में आप लोगों ने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 रखना है, तो वो आप लोगों ने अगेन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके 1:3 या 4 पे ले आना है। अब यहां पर गाइस मैं आप लोगों को 1:3 करके दिखाता हूं, तो इस लेवल पे गाइस आप लोग चेक करें कि हमारे तीन हिस्से प्रॉफिट के बन रहे हैं यहां पर और एक हिस्सा लॉस का है। अब मैं कहता हूं कि जी 1:4 आप लोगों का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, तो अगेन आप लोग इसको ड्रैग करोगे और ड्रैग करके आप लोग 1:4 पे इसको आप लोगों ने कर देना है। अब यहां पर ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के सामने 4 लिखा आना चाहिए, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ऑलमोस्ट 4 है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमारा 1:4 है, ठीक है। 3.99.01 का डिफरेंस है, लेकिन मज़ीद आप लोग इसको एक्यूरेट कर सकते हो। मैं अभी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हूँ तो थोड़ा ड्रैग करने में मसला आ रहा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:4 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। इट मीन्स कि हमारा 4 हिस्से का प्रॉफिट है और एक हिस्से का हमारा लॉस है। सेम इसी तरह हम लोग सेल की पोजीशन के लिए भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखेंगे। मैं आप लोगों को अगेन उसका टूल भी यूज़ करके दिखाता हूँ। आप लोगों ने अगेन इसके ऊपर जाना है और ड्रैग करना है, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप लोगों ने शॉर्ट पोजीशन वाला टूल उठा लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो करंट कैंडल चल रही है यहाँ पर आप लोग एंट्री ले लें, तो आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने यहाँ पर आना है और इस कैंडल के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ले ली। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप लोगों ने एंट्री ले ली। अब मैं कहता हूँ कि जी आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इस कैंडल के टॉप पे होना चाहिए, इसके हाई पे होना चाहिए। आप लोगों ने ड्रैग करके इसको इसके हाई पर ले आना है, तो यहाँ पर गाइस आप लोग चेक कर सकते हो कि मैं इसको ड्रैग करके ऑलमोस्ट इसके हाई के पास ले आया हूँ। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हम लोग कैलकुलेट करते हैं अब यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को कहा है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:4 होना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो ग्रीन पार्ट है उसको ड्रैग करके नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पर गाइस मैं इसको ड्रैग करके अब नीचे लाकर जितना मर्ज़ी अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रख सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे जैसे ड्रैग कर रहा हूँ मेरा जो रिवॉर्ड वाली साइड है, मेरी जो ग्रीन साइड है वो बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 1:4 हो चुका है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, और जैसे जैसे मैं इसको पीछे की तरफ लेकर जाता जाऊँगा तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कम होता जाएगा, मतलब हमारी जो प्रॉफिट वाली साइड है वो कम छोटी होती जाएगी।
अब यहाँ पर 1:3 या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, तो एक हिस्सा हमारा लॉस का रहेगा यहाँ पर और 3 हिस्से प्रॉफिट के। मैं मज़ीद इसको ड्रैग करके 2 के ऊपर लेकर जाता हूँ अगर, तो हमारा यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ये हमारा आ गया जी 2 के ऊपर, ऑलमोस्ट 2 है। तो यहाँ पर हमारे 2 हिस्से जो आप लोग देख सकते हो वो प्रॉफिट के हैं, और हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें एक हिस्सा देना पड़ेगा, हमें $1 देना पड़ेगा। अब ये फिक्स नहीं होता कि आप लोगों को एक ही डॉलर देना है, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप लोगों की ट्रेड लगी है तो यहाँ पर हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:2 है, तो हमें यहाँ पर एक हिस्सा लॉस के लिए रखना है और 2 हिस्से का हमें प्रॉफिट बनाना है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई कमी पेशी है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अगेन इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को मज़ीद भी समझाऊंगा, जहां जहां से आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इसको मज़ीद बेहतर करना है। आई होप गाइस कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल टेक गैलरिया को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाया करे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।